हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म जहां पर हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी अपडेट निकल कर आता है उसका इंफॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें इन्होंने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, अप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी अपडेट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। यहां पर नोटिफिकेशन 18 जून 2024 को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया था, जिसमें आपको इन्वाइट किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर, जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है और इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट पर मैरीन इंजीनियरिंग पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.cusat.ac.in और यहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो मिल जाएगा, जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जो क्वालिफ़िकेशन है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे मांगा गया है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पर मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पोस्ट पर यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर मैरीन इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीई, बीटेक, बीएस एंड एमई, एमटेक, एमएस या इंटीग्रेटेड एमटेक इन रिलेवेंट विथ फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री, तो इनमें से कोई एक भी डिग्री आप लोगों ने अचीव किया हुआ है भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी स्टेट में, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.cusat.ac.in पर विज़िट करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप 15 जुलाई 2024 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो ₹850 अप्लीकेशन फ़ीस पे करके फॉर्म अप्लाई कर लें, अगर वो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज से हैं। वहीं एससी एसटी कैटेगरीज के लिए ₹175 अप्लीकेशन फ़ीस यहां पर पे करना होगा। तो गाइस, यहां पर जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है और इसके लिए जो आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है इस यूनिवर्सिटी से वो भी काफ़ी अच्छी सैलरी है। यहाँ आप देख सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है उसमें जिन लोगों के पास पीएचडी होल्डर हैं जो लोग, उनको यहाँ पर ₹42,000 पर मंथ से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं जिनके पास पीएचडी नहीं है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ₹40,000 पर मंथ की सैलरी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी है वो ₹1,25,000 पर मंथ की है, और उसके बाद जो और जो पोस्ट हैं जिसमें नॉन टीचिंग पोजिशन है उनके लिए यहाँ पर सैलरी मेंशन की गई। यह आप देख सकते हैं सीरियल नंबर जो है वो मेंशन है, यहाँ पोस्ट से संबंधित सीरियल नंबर को मैच कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।